सो गाइस हमारी चल रही है अभी सीसीएनपी की सीरीज। तो अभी जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्विचिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो स्विचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर कि आप लोगों को नेटवर्किंग का नॉलेज तो होगा ही, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूं। तो आज जो है हम स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा सीखेंगे, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अभी क्योंकि मुझे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो सीधा लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं चल के पूरा समझते हैं स्विचिंग टेक्नोलॉजी को। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो यू कैन सी हम आज बेसिक स्विचिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक स्विचिंग के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर है लोकल एरिया नेटवर्किंग, राइट। लोकल एरिया नेटवर्किंग क्या है, व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क, बिकॉज इसी के अंदर हमारे पास में पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंट होता है, मैक्सिमम हम इसी के अंदर जो है काम करते हैं एज अ आईटी इंजीनियर्स। तो सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड विद दी सेम लोकेशन, चाहे फिर ऑफिस हो, बिल्डिंग्स हो, सोसाइटी है, कैंपस है, यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में पूरा नेटवर्क दिख रहा है, जहाँ पे आपके पास में एक राउटर के साथ में वायर के जरिए आपके ये डिवाइसेस भी वायरलेस भी कनेक्ट होता है, वायर के जरिए भी कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्विच है, हब है, जो ये इस तरह से जो है हमारे प्रिंटर सर्वर्स आपके कनेक्टेड होते हैं। तो ये सभी जो है ये हमारे पास राउटर है, यहाँ पे ये फायरवॉल है और ये हमारा इंटरनेट है। तो यही जो है पूरा आपका नेटवर्क जो है वो फॉर्म करता है, बट यहाँ पे राउटर से इस तरफ का जो नेटवर्क है ये कहलाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। सो डेटा इज ट्रांसफर एट द एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन द लोकल एरिया नेटवर्क। और जो दूसरा यहाँ पे आता है आपका हाई सिक्योरिटी होती है, बिकॉज आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो कि प्राइवेट नेटवर्क है ये आपका सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि बींग आईटी इंजीनियर हमें पता होता है कि हमने अपने नेटवर्क के अंदर कहाँ पर क्या इंप्लीमेंटेशन करके रखा है। अब यहाँ पे बेसिक स्विचिंग के अंदर टाइप ऑफ लैन की बात करें तो दो तरह के हमारे पास में लैंस होते हैं, एक इथरनेट वाले जो कि वायर्ड लैन होते हैं और दूसरे होते हैं वायरलेस के जरिए। तो दो तरह के हम लोकल एरिया नेटवर्क इंप्लीमेंट करते हैं, एक आपके जो है वायरलेस डिवाइसेस का इस्तेमाल करके और एक जो है सिर्फ वायर के जरिए डायरेक्टली एंड टू एंड वायर के जरिए कनेक्टिविटी करके जो है हम यहाँ पे नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करते हैं। इसके बाद में आपका ईथरनेट बात करें तो ईथरनेट क्या है, है ना, व्हाट इज ईथरनेट। सो ईथरनेट जो है एक ऐसा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस जो है अपने लोकल एरिया नेटवर्क में आपके जो है आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट। सो बेसिकली डिफाइंड द प्रोटोकॉल रूल केबलिंग कनेक्टर्स ऑन द एंड ऑफ द केबल, आइडेंटिफाइंग द डिवाइस एंड एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन ईथरनेट लैन। सो 1983 के अंदर जो है इसको जो है डेवलप किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। सो दीज आर दी IEEE और ये सब जो है आपके स्टैंडर्ड हैं, जो आपके IEEE स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे बड़े आपको मैं पूरा बताते जाऊंगा। यू कैन सी IEEE स्टैंडर्ड यहाँ पे 802.3 है। तो ये जो है आपके पास में ईथरनेट केबल्स होती है, यू कैन सी यहाँ पे इस तरह की केबल्स होती हैं हमारे पास में, और ये हमारे पास में फाइबर केबल्स हैं, बट है तो वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। अब ईथरनेट डिवाइसेस की बात करें तो ऐसे वो सारे डिवाइस जो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उनके अंदर एक डिवाइस इंस्टॉल्ड होता है जिसको कहते हैं NIC। तो NIC कार्ड कुछ इस तरह के होते हैं, चाहे फिर वो हमारे स्विचेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, आपके नेटवर्क प्रिंटर्स हैं, इन सब के अंदर ये वाला जो डिवाइस है वो इंस्टॉल्ड होता है। यहाँ पे सोहो लैन की बात करें, सोहो यानी कि आपका जो है बहुत ही छोटा सा नेटवर्क, राइट, स्मॉल ऑफिस और आपका होम ऑफिस जो है यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपका जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल यू कैन से डिवाइसेस, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे स्विच है, ये प्रिंटर कनेक्टेड है, यहाँ पे आपके पास में कंप्यूटर कनेक्टेड है, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास में यहाँ पे यू कैन सी राउटर है, स्विच है, वायर के जरिए कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट आपके पास में जो वायरलेस के जरिए कनेक्टिविटी कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास में पूरा एक लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करता है बहुत छोटे लेवल पे, जिसके अंदर ईथरनेट लैन स्विच होते हैं, ईथरनेट केबल्स होती हैं, राउटर्स होते हैं, वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ टिपिकल
ईथरनेट एंटरप्राइज लैन की बात करें, जो कि बड़े लेवल पे काम होता है, बड़े लेवल के नेटवर्क जिसमें हम फार्म करते हैं, तो ये वो नेटवर्क्स हैं जो हमारे पास में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे मल्टीपल फ्लोर्स के ऊपर में आपके पास में नेटवर्क बना हुआ है। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड है, थर्ड है, तो फर्स्ट पे भी आपके पास में स्विच है यहाँ पे, और यहाँ पे दो स्विचेस हैं, एक कोर स्विच है आपका, लेयर टू है, लेयर थ्री स्विच है, देन उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे स्विच, यहाँ पर भी स्विच है, यहाँ पर भी स्विच है, थर्ड पे एक्सेस पॉइंट आपके पास में हर फ्लोर पे अवेलेबल है, कंप्यूटर्स आपके वायरलेस डिवाइसेस जो है यहाँ पे अवेलेबल है, राउटर अवेलेबल है, तो इस तरह का जो पूरा आपस में कनेक्ट करके, चाहे फिर वो छोटा नेटवर्क है चाहे फिर वो बड़ा नेटवर्क है, दोनों ही कंडीशंस के अंदर यहाँ पे जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है लोकल एरिया नेटवर्क का ही। बट डिपेंड करता है, अगर छोटे स्केल पे है, कम डिवाइसेस है, तो आपका जो सोहो नेटवर्क बनता है, अगर आपका बहुत बड़े लेवल पे है तो वो आपका एंटरप्राइज नेटवर्क बन जाता है। तो ट्रांसमिशन मोड की बात, मीडिया की बात करें, तो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर हमारे पास में केबल्स हैं, वायरलेस है, तो अलग अलग तरह की केबल्स हैं, जैसे कॉपर के अंदर हमारे पास यूटीपी एसटीपी कॉलेक्स केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं हमारे पास में, इसमें भी कई सारी केबल्स होती हैं टाइप की। वायरलेस के अंदर हमारे पास में आरएफ सिग्नल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है हमारे पास में टाइप ऑफ मीडिया है। मैं इसको इसलिए फास्ट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ बिकॉज आई एम श्योर ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं और आप लोगों ने कवर कर रखी होंगी ऑलरेडी, तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं आपने नहीं कर रखी हैं उसको बहुत ही डिटेल के अंदर कवर करेंगे। तो अभी बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है ये आपको पता है, एसटीपी केबल कौन सी होती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ही होता है। यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास में ये आपकी जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, ये आपकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, इसके ऊपर में कोई भी प्रोटेक्शन लेयर नहीं है, तो इसको यूटीपी केबल बोला जाता है। इसके ऊपर में आपके पास में यू कैन सी प्रोटेक्शन लेयर्स हैं, ये आपका एसटीपी केबल है, और ये क्यों क्रिएट करी जाती है, ये इस तरह की आपकी प्रोटेक्शन लेयर क्यों होती है, बिकॉज आपके मैग्नेटिक फील्ड में जहां पर आपका डेटा जो है कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन में कोई एरर्स ना आए, इस वजह से यहाँ पे प्रोटेक्शन लेयर जो है प्रोवाइड करी जाती है, राइट। सो ये हमारे पास में कुछ तरीके हैं केबल को कनेक्ट करने के आपस में, अगर आप लोग खुद केबल्स बनाते हैं तो। हमारे पास में यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है, 1236 में ही आप स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल दोनों ही बना सकते हैं, बाकी के जो पोर्ट आपके जो पिन्स बची हुई हैं उनको आप स्ट्रेट कनेक्ट कर देंगे और क्रॉस में फुल क्रॉस कर देंगे तो भी आपका जो है कनेक्टिविटी बराबर बन जाएगी। तो इसमें दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, यू कैन सी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है और दूसरा होता है आपका बी स्टैंडर्ड, तो जो भी आपको फॉलो करना है आप कर सकते हैं। ए और बी के बीच में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो ग्रीन आपका यहाँ पर है और ऑरेंज यहाँ पर है, आपका ए स्टैंडर्ड के अंदर ग्रीन यहाँ पे आता है लेकिन बी स्टैंडर्ड के अंदर पहले ऑरेंज आ जाता है, ग्रीन यहाँ पे आ जाता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है यहाँ पे, राइट। बट कलर कोड का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको उसको तरीके को फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपको केबल कनेक्ट करते हैं, हालांकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है आपको जनरली इस चीज़ का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड्स बने हैं। अगर आप एक सेम कैटेगरी के डिवाइसेस को जो है डिफरेंट कैटेगरीज के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, इन दैट केस आप स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल करेंगे कनेक्टिविटी करने के लिए, और अगर आप जो है डिफरेंट डिवाइस सेम टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्रॉसओवर केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, यही आपको थोड़ा सा याद रखना है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रेट भी यूज करेंगे तो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइबर केबल, तो फाइबर केबल यू कैन सी हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसके डेटा जो है काफी फास्ट ट्रेवल करता है, विच इज योर लाइट के फॉर्मेट में डेटा ट्रेवल करता है, तो लाइट की स्पीड से डेटा आपका जो पूरा ट्रेवल करता है, इसीलिए आज की डेट में जितने भी आपके बड़े जितने भी एंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं या ISPs के कनेक्टिविटी है वो सभी जगह पे जो है आपका फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई ये आपके पास में कुछ पैच कॉर्ड्स हैं जैसे ST है, SC है, LC है, राइट, तो ये सब आपके पास में है। यहाँ पे डुप्लेक्स मल्टीमीडिया LC कनेक्टर है, तो ऐसे जो है यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डिटेल में इसको चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ मेरे वीडियो के अंदर, तो आप जो है उसको सर्च करके भी पूरा डिटेल में इन केबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वायरलेस की बात करें तो वायरलेस एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां पर हमें एंड डिवाइस भी हमारे वायरलेस वाले हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गए, आपके मोबाइल्स हो गए, राइट, और उनको आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें चाहिए होते हैं यहां पे एक्सेस पॉइंट्स। तो एक्सेस पॉइंट हमारे पास में इस तरह के कुछ राउटर्स भी होते हैं जो जिनको हम वाईफाई राउटर बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे नेटवर्क के अंदर, लेकिन जब अगर बड़ा नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन करना है तो वहां पे हमें प्रॉपर जो कमर्शियल एक्सेस पॉइंट्स होते हैं उसी का हमें इस्तेमाल करना होता है।
देन बेसिक लैंड सेपरेट लैंड सेटअप करने के लिए की अगर बात करें तो लैंड सेटअप करने के लिए यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में स्विच होने चाहिए, स्विच या हब राइट, ये आपके पास में होने चाहिए। तो इसमें आपको केबल के जरिए इस तरह से कनेक्ट करना है, तो जितने भी डिवाइस हैं उन सबको जो है आप यहाँ पे केबल के जरिए या वायरलेस के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट 4 कंप्यूटर्स इन दी लैंड यूजिंग स्विच, आप स्विच के जरिए सिर्फ 4 नहीं आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं राइट। कॉन्फिगर आईपी एड्रेस, अगर आपको इसमें कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना तो आपको आईपी एड्रेस के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता है तो मेरा जो सीसीएनए का जो सीरीज चल रहा है आप उसके अंदर आईपी एड्रेस को पूरा डिटेल में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल दी पीसी यूजिंग पिंग कमांड, आपको अगर रीचेबिलिटी टेस्ट करनी है कि आपके किसी कंप्यूटर्स के बीच में या डिवाइसेस के बीच में अगर डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आप यहाँ पे पिंग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज आईसीएमपी बेस्ड कमांड है राइट। और ये जो है आप पूरा कवर कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने फास्ट इसलिए कवर किया बिकॉज आई एम श्योर ये सारी डिटेल्स आपको पहले से पता होगी, जिसको नहीं पता आपने बेसिक एक ओवरव्यू ले लिया इसका। अब जो है हम सीसीएनपी के अंदर जो है आगे एडवांस जो एक्चुअली सीसीएनपी का जो सिलेबस है उसकी तरफ में बढ़ेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।